दोस्तों बात कर रहे थे जो एप्पल का आईफोन 12 वो तो अभी लॉन्च होने वाला है, लेकिन अगर आप एक साल और वेट कर लो आईफोन 13 के लिए तो आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा, यानी कि 2020 के आईफोन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंफर्म हो रखी हैं और कुछ दिन बाद एप्पल भी कंफर्म कर देगी, लेकिन एक साल वेट करने पे आपको क्या एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिल सकती है, चलिए इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। और अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा आपसे कि अभी के समय सारे लीक्स एंड र्यूमर्स हैं, तो इन सबको बिलीव करने से पहले थोड़ा सा नमक नींबू मिर्च मसाले के साथ लेना, तो आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें हो भी सकते हैं कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती। हालांकि एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो लीक्स एंड रूमर्स हैं दूसरे लोगों की तरफ से जो इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है, और इसमें से जो पहली जो चीज़ जो मेरे को कन्फर्म सी लग रही है ना वो है पोर्टलेस आईफोन। जी हाँ, अभी हम बात कर रहे थे आईफोन के बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं होगा, लेकिन अगले साल तो चार्जर लगाने की जगह होगी, लाइटनिंग पोर्ट होगा वो भी जाने वाला है। जी हाँ, काफ़ी फेमस लीकर है जॉन पॉसर, उन्होंने कन्फर्म कर दिया 2021 में जो आईफोन होगा जो कि शायद आईफोन 13 हो जाए उसमें से जो चार्जिंग पोर्ट है वो गायब होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो पॉसिबल हो सकती है। इसका मेन रीजन है कि यूरोपियन यूनियन में ये कर दिया गया कि एक ही जैसा जो चार्जिंग पोर्ट है ना वो स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए सभी फोन के अंदर, एंड्रॉइड हो चाहे आईफोन हो। और आईफोन ने सोचा कि अब यूएसबी सी से जाने से बेटर ये है कि इससे बेटर कि हम लाइटनिंग पोर्ट को ही हटा दें और इसके बाद वो डायरेक्टली रिलाई करेंगे जो वायरलेस चार्जिंग होती है उसके ऊपर। जी हाँ, तो यानी कि एप्पल जो वायरलेस चार्जिंग के रूट पर जाने वाली है, कंप्लीटली वायरलेस चार्जिंग वाले का आईफोन निकालने वाली है। लेकिन एक बात आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि वायरलेस जो चार्जर होगा ना वो बॉक्स के अंदर नहीं होगा, सबको अलग से ही परचेस करना पड़ेगा। और तो और जो एप्पल है ना वो इस साल तो अपना एयर पावर भी दोबारा से लेके आने वाले, तो शायद उसको वो अगले साल आईफोन के साथ बंडल वगैरह करके बेचे, तो इस टाइप की बातें हो सकती है। इसके साथ ही बात करें फेस आईडी और नॉच के बारे में, क्योंकि हर साल खबरें आती है नॉच छोटा हो रहा है नॉच जाने वाला है, अगले साल के बारे में भी ये खबर है, लेकिन अगले साल के बारे में ये खबर पता चली है कि नॉच जो रहेगा वो शायद रिमूव हो जाए और जो ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम जो फेस आईडी के जो सेंसर्स होते ना वो डिस्प्ले के अंदर जाने के बजाय टॉप बेजल के ऊपर चल जाए। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें आईफोन जो बेजल लेस तो हम उसे कह नहीं सकते, चारों तरफ आपको किसी ना किसी टाइप की बेजल देखने को मिलती है, लेकिन एप्पल उस छोटी सी बेजल के अंदर अगर अपने फेस आईडी के सेंसर्स को इंप्लीमेंट कर देता है ना ये काफी बढ़िया बात होगी। जी हाँ, ये चीजें आज के समय पॉसिबल और एप्पल इसी के ऊपर काम कर रहा है, और हो सकता है कि वो नॉच को छोटा करने की बजाय नॉच को रिमूव ही कर दे, कुछ इस टाइप की चीजें भी हो सकती हैं। इसके साथ ही अगली चीज ये कि टच आईडी को लेके, क्योंकि अभी रिसेंटली आईपैड जो लॉन्च है ना उसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर मैं कहूँ कि पावर बटन में टच आईडी देखने को मिल रहा है, लेकिन अंडर डिस्प्ले टच आईडी के काफी सारे पेटेंट्स देखने को मिले। इवन मिंग ची को, काफी जो फेमस एप्पल एनालिस्ट है, उन्होंने बोला है कि एप्पल जो है वो रिटर्न कर सकती है टच आईडी को और अंडर डिस्प्ले टच आईडी को भी इंप्लीमेंट कर सकती है, तो इस टाइप की चीजें भी देखने को मिल सकती है। तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की भी एंट्री हो सकती है अपकमिंग आईफोन 13 के अंदर। इसी के साथ ही बात कर तो अगले साल के आईफोन 13 में आपको शायद से पहले से ज्यादा बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और एक और खास बात मुझे यहाँ पता चली है वो ये है कि अगले साल से आईफोन के अंदर आपको जो 5G मोडेम होगा ना उसे एप्पल बनाए, क्योंकि एप्पल ने अभी $1 बिलियन लेके इंटेल का जो मोडेम वाला बिजनेस है वो एक्वायर किया है, तो उसका फायदा ये हो सकता है कि जो एप्पल वो अपना खुद का मोडेम बना रही है। इस साल के आईफोन में आपको क्वालकॉम का मोडेम देखने को मिलेगा जो कि इसके अंदर 5G कैपेबिलिटीज को इनेबल कर देगा, और इस साल के जो आईफोन्स हैं वो आपको सब 6 GHz बैंड और मिलीमीटर वेव दोनों को सपोर्ट करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अगले साल ऐसा होगा कि एप्पल 5G मोडेम तो अपना खुद का बनाएगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या रहेगा कि जिस रीजन में सब 6 GHz वाला बैंड अवेलेबल है वहां पे उसे वो देगी, जिस रीजन में मिलीमीटर वेव वाला 5G अवेलेबल है वहां देगी। इस साल आईफोन में आपको दोनों चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन अगले साल ये चीज चली जाएगी, और अगले साल एप्पल है ना थोड़ा इस तरीके से सोचेगी 5G आईफोन हम दे रहे हैं लेकिन जिस रीजन में हम बेच रहे हैं वहां पे सब 6 GHz है मिलीमीटर वेव नहीं है, तो इस हिसाब से वो डिसाइड करेगी कि हर जगह के लिए उन्हें कौन सा 5G स्मार्टफोन देना है। और इसके साथ ही एक और बात ये भी पता चली कि अगले साल एप्पल अपना एक एक्सक्लूसिव 4G ओनली आईफोन भी रिलीज कर सकती है जो कि आपको शायद मार्च के अराउंड देखने को मिल जाए। उसके बारे में कहा गया कि शायद उसका नाम आईफोन SE प्लस भी हो सकता है। जी हाँ, कुछ इस टाइप की चीजें भी हमने सुनने को मिली हैं। और इसी के साथ ही कुछ ऐसी बातें भी पता चली अपकमिंग आईफोन के बारे में, जैसे कि इस साल जो आईफोन होगा उसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट नहीं होगा, लेकिन ये जो चीजें नहीं अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और अगले साल के आईफोन में आपको एक जो प्रो मोशन डिस्प्ले होता है वो देखने को मिलेगा, यानी कि XDR डिस्प्ले 120Hz के साथ 120Hz का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट होगा और अच्छे तरीके से कलर्स भी दिखा पाएगा। जी हाँ, ये बातें भी पॉसिबल होने वाली है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट ईयर के आईफोन्स में आपको एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा देखने को मिल सकता है, और उसका मेन रीजन है कि अभी के आईफोन्स में काफी लंबे समय से 12 MP का इमेज सेंसर आ रहा है और वो इमेज सेंसर है ना वो 8K में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आईफोन के पास ऑलरेडी इतना पावरफुल चिपसेट है कि वो 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के कैपेबल है, तो हो सकता है कि जो एप्पल है वो अपना जो मेगापिक्सल काउंट है वो बम्प अप करे अगले साल, और अगले साल आपको आईफोन के अंदर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिले। जी हाँ, कुछ
कुछ इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ ही हमें पता चला कि 4K के अंदर आप स्लो मोशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे आईफोन्स के अंदर। और इसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अगले साल आईफोन में हो सकता है आपको पेरिस्कोप जूम जो होता है ना, जो आपको ऑलरेडी एंड्रॉयड फोन्स में देखने को मिल रहा है, ठीक वैसे ही कुछ आपको इम्प्लीमेंटेशन अगले साल के आईफोन्स में देखने को मिल जाए। जी हाँ, ये बातें भी हो सकती हैं। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की, तो वो भी कमबैक कर सकती है। और भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चली है, जिससे देख के लगता है कि अगले साल के जो आईफोन्स हैं ना, वो काफ़ी हद तक जो एंड्रॉयड फोन्स हैं ना आज के समय में, उनके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। इवन बात करें एप्पल की A15 चिपसेट के बारे में, तो उसके बारे में अभी सिर्फ हमें इतना इन्फॉर्मेशन मालूम है कि अगले साल भी 5nm की टेक्नोलॉजी पे बनेगा ये, और अगले साल लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो थोड़ी सी बेटर होगी, और 2022 में ये लोग 3nm की टेक्नोलॉजी पर मूव करेंगे, जो कि एप्पल की A16 चिप होगी। जी हाँ, तो यानी कि अगले साल देखा तो आईफोन के डिज़ाइन में आप एक मेजर चीज इंप्रूव कर सकते हैं। इस साल देखा तो डिज़ाइन मोर और लेस वही रहने वाला है, अगले साल काफ़ी बड़े इंप्रूवमेंट होंगे डिज़ाइन के अंदर। और हर साल हम देखते हैं कि एक माइनर स्टेप सा लिया जाता है एप्पल, और हमेशा कोई बड़ा ड्रास्टिक डिसीजन नहीं लेती। तो देखने वाली बात हो कि आखिर आईफोन 13 में क्या रहता है। और वहीं बात करें, कुछ रूमर्स ये भी बोल रहे थे कि फोल्डेबल आईफोन वगैरह भी आ सकता है, लेकिन लग रहा है कि वो 2021 में नहीं, 2022 या 2023 तक देखने को मिलेगा। और एक फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर में भी आईफोन होगा, और करंट प्रोटोटाइप जो है ना आईफोन का जो फोल्डेबल वाला, वो काफ़ी हद तक जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्फेस डुओ आता है ना, ठीक ठीक उससे कुछ मिलता जुलता है। तो अभी भी एप्पल फोल्डेबल वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, अभी इवॉल्व हुई नहीं है, लेकिन डेफिनेटली टेक्नोलॉजी भी आपको आने वाले समय में आईफोन्स में देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं अपकमिंग आईफोन 13 में। अब देखने वाली बात है कि इसमें से कितनी चीज़ें ट्रू होती हैं या नहीं होती। मेरे को लग रहा है कि इसमें से अगर 50% चीज़ें भी ट्रू होगी तो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ सकता है। और फिलहाल के लिए देखते हैं कि अभी आईफोन 12 क्या आता है। अभी तो एप्पल का ऑनलाइन स्टोर भी आ गया, और देखने वाली बात होगी जब आईफोन 12 इंडिया में आता है कि आईफोन 12 के ऊपर आपको कोई डिस्काउंट या उसकी प्राइसिंग वगैरह कैसी होती है। वेल, आप लोग क्या लगता है आईफोन 12 किस कीमत में आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है बहुत ही जल्द, ऑलमोस्ट शायद 30 अक्टूबर को आपको देखने को मिल जाए आईफोन 12। तो वेल, ये जो भी अगर आपको ओपिनियन है नीचे कमेंट बताना ना भूले। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।